आज भादो महीने का आज सत्संग है। आप सबको ये महीना बहुत मुबारक हो। आपको मालिक शरीर की तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे और घरों में शांति आपके हो, ये मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ। मगर एक साथ बात और कह देता हूँ। कल मैंने टीवी पर यह महीना सुना, बारहमासा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी है। उसमें आखिरी लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जेहा बीजे शैलुणे कर्मा संदराखेत। क्या मतलब है इसका, सुन लो आप। फैसला कर दिया महापुरुषों ने कि इंसान जो तू बीजेगा उसका ही फल तुम्हें मिलेगा। ये नहीं कहा कि पूजा करेगा तो ये हो जाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा तो ये हो जाएगा, तू मंदिर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं कहा। जेहा बीजे शैलू ने, जो तू बीजेगा उसका फल ही तुम्हें मिलेगा। अब सवाल पैदा हो गया, बीजा बीना किया है, ख्याल कहाँ से कर्म बनता? ख्याल से। ख्याल अच्छा तो कर्म भी अच्छा होगा, ख्याल अच्छा नहीं है तो कर्म भी अच्छा नहीं होगा। ये ब्रह्मांड है बहुत बड़ा, तुम्हारा हर ख्याल इस ब्रह्मांड में जा रहा है और तुम्हारे पास ही वापस आ रहा है। इस बात को समझो, चाहे कमज़ोर ख्याल है, चाहे ताकतवर ख्याल है, चाहे बुराई का ख्याल है, चाहे अच्छाई का ख्याल है, वो ज़ाया नहीं होता, वो तुम्हारे पास ही वापस आएगा। इसलिए ऐ इंसान, तू शिव संकल्प मस्तु रख, सबका भला चाह, अच्छा ख्याल रख, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज भादो महीने का आपको सत्संग सुनाता हूँ मैं, जो स्वामी जी महाराज ने फरमाया। ठीक नहीं चल रहा, आवाज़ कट रही, आवाज़ नहीं है आपको, सबको आवाज़ सुन रही है? नहीं सुन रही। अब आई आवाज, आप सबको आवाज सुन रही है? शर्मा जी आपको आवाज आई? क्या कहते हैं इसको? बस उसको वहां से निकाल दो, निकलेंगे तो लाइन। अब बताइए, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आ गए, ठीक है। निकालो, भादो महीना स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं। हर बात को ध्यान से सुनना, ये सत्संग है, कहानी नहीं करूँगा, तुम्हारे मतलब की बात करूँगा। अगर तुम्हारे को मिल जाए तो उसको संभाल के रख लेना और उस पर चलने की कोशिश करना, वरना बातें सुनी इधर से कि इधर से निकल गई, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ो पहले लाइनें क्या लिखी स्वामी जी ने, ये सुनो। भादो मास तीसरा, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की देह, राधा स्वामी सहाय। भादो मास तीसरा, चेतावनी जीवों को कि मनमत कर्म और धर्म और जब तक और मूर्ति पूजा और तीर्थ व्रत से जीव की 84 नहीं छूटेगी। फिर पढ़ो मेरी तरफ देखकर। चेतावनी जीवों को, चेतावनी दे रहे हैं जीवों को, चेतावनी होती खबरदार करना, बच्चा हाथ न लगाई, आ गया है, जल जाएगा हाथ तेरा, इतने छाल नहीं मारनी है, बहुत गहरा पानी है, ये दरिया चल रहा, देखी इनू पार ना करने की कोशिश करी, ये चेतावनी है। ऐसे ही संत हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमने होशियार होकर जिंदगी में रहना है, क्या करना है। पढ़ो, मनमत कर्म और धर्म। कर्म और धर्म, कर्म क्या होता है? कर्म, हम सब कोई ना कोई धर्म रखते हैं ना, हमारा धर्म कोई ना कोई है, किसी को कोई धर्म है, कोई का किसी का कोई धर्म है, लेकिन संतों के मत में कोई धर्म नहीं है, केवल इंसानियत का धर्म है, मानवता। और हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं,
इंसान के रूप में हमने मर जाना है, इसलिए इंसान बन के जीना है। अगर इंसान बनकर नहीं जिएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। क्या कहा मैंने? कर्म और धर्म। कर्म क्या है? जो तुम करते हो वही तुम्हारा धर्म है, जो तुम करते हो वही तुम्हारा धर्म है। जो बाकी धर्म है दुनिया के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो एक जीवन को गुजारने का ढंग है। हर धर्म का जीवन को गुजारने का ढंग है कि सुबह उठना है, स्नान करना है, ये करना है, वो करना है। सभी सभी परम्परा जितने भी हमारे देश में धर्म हैं, कितने गिनूँ, किस किस का नाम लूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सबका रहने का अपना अपना ढंग है, लेकिन बेसिकली जो है वो कर्म है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चाका। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। यहाँ ये नहीं कहा जो जो धर्म तू करेगा वो भोगना पड़ेगा, ये नहीं कहा। धर्म का नाम नहीं लिया, कर्म का नाम लिया है। इसलिए कर्म प्रधान है, उसको जानने की कोशिश करना। कर्म धर्म आगे। और जप तप और मूर्ति पूजा। जप तप और पूजा जितनी मर्जी कर लो, ये भी उन्होंने कह दिया। जाप करो, तप करो, पूजा करो, आगे। और तीर्थ व्रत। तीर्थ करो, व्रत करो, मैं नहीं कहूँगा, स्वामी जी कह रहे हैं। क्योंकि मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि जब मैं मुझे नाम मिला 1905 में, तो दाता दयाल जी महाराज ने मुझे सार वचन दे दी, ये किताब दे दी। जब मैंने पढ़ी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मैं कहाँ फंस गया। मैं राम को पूजने वाला, कृष्ण को पूजने वाला, ठाकुरों को सुबह स्नान कराकर उनकी पूजा करने वाला, ये तो सबका खंडन कर दिया इन्होंने कि कुछ नहीं करेगा। सब काल के अवतार हुए हैं, राम को भी पीछे हटा दिया, भगवान कृष्ण को भी, देवियों को, देव सबका खंडन है इसमें, सबका खंडन है। और खंडन हमारे भले के लिए है, हमारे भले के लिए है। खंडन उन्होंने किसी खास मकसद के लिए नहीं किया, बल्कि हमें ठीक रास्ता बताने के लिए किया। जप तप तीर्थ व्रत जितना मर्जी करो, को आगे क्या कहते हैं, तुम्हें 84 से छुटकारा नहीं मिलेगा, तुम्हारा जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा, ये कहा है। बहुत ऊंची बात है। तो फकीर बाबा जी ने कहा कि मैं तो, मेरा तो दिल ही टूट गया कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ किस धर्म में फंस गया जहाँ सबका खंडन है। तो फिर मैंने निश्चय किया, मैंने प्रण किया कि मैं इस रास्ते पर सच्चा होकर चलूँगा और दुनिया को बता लूँगा कि ये सच्चाई है या झूठ है। ये कह गए उन्होंने, ये कहा, और ये बिल्कुल सत्य लिखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ए इंसान, तेरा जीना मरना, तेरा मोक्ष, तेरा निर्वाण, तेरी मुक्ति तेरे अपने कर्म में है, बाकी किसी भी चीज में नहीं है। क्या कहना चाहता हूँ मैं, पढ़ो आगे। जब तक कि संत सद्गुरु, हाँ, जब तक ये जो मर्जी करो आप, फिर क्या, जब तक तुम्हें संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक क्या होगा। जब तक कि संत सद्गुरु और साध का संग, और उनसे भेद नाम का लेकर अंतर्मुख। जब तक तुम्हें संत सद्गुरु नहीं मिलता, किसी साध संत का संत नहीं, सत्संग या संगत नहीं मिलती, फिर क्या होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पढ़ो आगे। अंतर्मुख अभ्यास ना करेंगे और वर्णन युक्ति और भेद सूरत शब्द मारकता, वो क्या बताएंगे तुम्हें, संत सतगुरु तुम्हें क्या बताएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम वहाँ चल जाओ तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम वहाँ जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम व्रत करो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम दान करो तुम, वो ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे तू अंदर चल, अंदर चल,
तेरे अंदर सब कुछ है, घट में माल खजाना, फकीरा तू क्यों भया दवाना, हाय फकीर वाह क्यों भया दवाना, तेरे घट में माल खजाना, तू क्यों भया दीवाना। ये दाता दयाल जैसा लिखते हैं मेरे बाबा फकीर जी को, क्यों? क्योंकि वो सवाल करते थे कि महाराज ये क्या लिखा है, मैं तो ये करता था, आपने मुझे यहाँ लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें सच्चे सतगुरु के सत्संग सत्संगियों के रूप में मिलेंगे। और कब मेरी आँख खुली, मैं तो ये समझता था कि मैं बैठ जाता हूँ, दाता का ध्यान करता हूँ, दाता मेरे अंदर आ जाते हैं, मैं छाल लगाता हूँ, डांस करता हूँ कि दाता के दर्शन हो गए, दाता मेरे नाल है। जब लोगों ने बताया कि बाबा फकीर आप आए, आपने मेरा ये काम कर दिया, मेरा ये काम कर दिया, मेरे अंदर आए, मेरी समाधि में आए, तो मेरी आँख खुल गई, वो मैं तक गया ही नहीं। जब मैं नहीं गया तो दाता दयाल भी नहीं आए, वो भी मेरा मन था और लोगों का भी अपना मन था, मैं कहीं नहीं जाता। तो किस बात को दिया मेरे सतगुरु ने अहमियत दी, तुम्हारे मन को हैसियत दी, मन। तो मन कैसे बनेगा ये आज आप सुनने जा रहे हैं दाता दयाल जी महाराज या सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठकर। वहाँ जो मुझे पता चला या जिसका मैंने अनुभव किया, मैं उसके आधार पर आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं कोई इधर उधर की गप नहीं मार रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ए इंसान तू अंदर से सच्चा हो जा, बस ये नहीं थे अंदर तेरे कुछ और है, बाहर तेरे कुछ और है, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी तार, कुछ कहने जा रहा हूँ, तुम्हारी तार अंदर की सीधी उसके साथ है, अंदर की तार, मन की तार नहीं, शरीर की तार नहीं, आत्मा की तार नहीं, जो तुम हो वास्तव में सुरत रूप में जो तुम हो, तुम्हारी तार वहाँ लगी हुई है। जैसे जे पंखा चल रहा है, इसका करंट कहाँ से आ रहा है? ट्रांसफार्मर से आ रहा है। ट्रांसफार्मर में कहाँ से आया? भाखड़ा नंबर नंगल से, वहाँ से सेंटर है, वहाँ से आ रहा है। ऐसे ही ए इंसान, तेरे अंदर जो शक्ति बैठी है उसका हर वक्त कनेक्शन उसके साथ है, मगर तुम उस कनेक्शन को उसके साथ जोड़ते नहीं हो। तुम मन मत हो गए, गुरुमत नहीं हो। तो मन मत को तो दुख ही मिलेगा, गुरुमुख को कभी दुख नहीं होगा। वो बात को समझ जाता है और हमेशा उसके साथ संपर्क करने की कोशिश करता है, और संपर्क ना हो तो अपने आप को उसको समर्पित कर देता है। शर्मा जी फिर समर्पित हो जाता है, ओ मैं निर्गुण हारे को गुण नहीं, अपे तरस पे हुई, फिर वो अपे तरस पे जानती है। क्या कहा मैंने शर्मा जी? तो अल्टीमेटली आदमी ये नहीं कहता कि मैंने किया, बाबा फकीर यही कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, यही कहते थे, मैं भी यही कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मेरे सतगुरु ने किया। मैं बच्चों आपको बस सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं किया और आज भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये उसका हुक्म है, उसका हुक्म काम कर रहा है, हुक्म को मानो और तुम सच्चे होकर रास्ते पर चलो, तुम्हें ज़िंदगी में कोई कमी रह नहीं सकती, ये मैं कह सकता हूँ। पढ़ो आगे क्या कहता हूँ। भादो मास तीस आ जाए दौलागी सब जग को भाई। ये तीसरा महीना भादो का है। अब स्वामी जी महाराज इसकी मदद से कहते हैं कि जब गर्मी लगती है ना बाहर, आजकल गर्मी बहुत होती है बाहर, धूप में ज़्यादा जाओ क्योंकि आकाश बिल्कुल साफ है, ऊपर मिट्टी नहीं है, बारिश हो गई, अब आकाश बिल्कुल साफ है और सूरज की डायरेक्ट किरण हमारे ऊपर आ रही है, तुम 10 मिनट बाद धूप में नहीं खड़े हो सकते। क्या कहा मैंने? तो धौ लगती है, धौमीन प्यास, प्यास लगती है ना, जल्दी दौड़ते हैं, शाम में बैठ जाएँ, पानी पीने को मिल जाए तो धौ लगती है। कहते सारे जग को धौ लगी हुई है, काहे की धौ लगी है वो तो आगे बताएंगे। सारा संसार काहे की धौ है, किस चीज़ की भूख है? किसी न किसी चीज़ की आशा की धौ लगी हुई है। आशा
कामना भावना मुझे जे मिल जाए मुझे जे मिल जाए मुझे जे मिल जाए मैं जे करूं तो जे मिल जाएगा मैं वहां जाऊं तो मुझे जे, ये धाव लगी हुई है दौड़ी हुई है दुनिया। क्या कहा मैंने, देखो जरा दुनिया को पता लगेगा किसी को है शांति। बड़े बड़े केंद्र बने हुए हैं शांति, फिर भी किसी में नहीं है। और किसी को क्या बताऊं, और गुरुओं में भी शांति नहीं है, जो वहाँ के गुरु हैं तो उनको भी मेरे एक मेरे बड़े प्यारे पितर बड़े प्यारा बच्चा है बाहर डॉक्टर है, तो मैं जब पिछले साल इंग्लैंड गया तो उसने कहा पिताजी मैं आपको क्या बताऊँ मेरा अपने गुरु के दिल गुरु से दिल टूट गया। मैं कह क्या हुआ, कहते मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने टेलीफोन उठा के कनाडा टेलीफोन किया कि बच्चा देने में कमरे बन रहे हैं पैसा भेज, मेरा दिल ही टूट गया। एक गुरु होके पैसे मंगता कि डेरा बनना, उधर डेरे से फंस गया तो मैनू की दूंगा कुदरत ने मुझे आपके साथ मिला दिया। मेरी बात समझिए शर्मा जी, जो खुद ही मांग रहा है वो किसी को क्या देगा। क्या कहा मैंने, डॉक्टर अकबर साहब राजा अकबर के पास कोई सज्जन गरीब आदमी बहुत गरीब के राजा के पास चलते हैं, दुआ करते हैं कुछ मुझे दान दे देगा तो मेरा घर का गुजारा हो जाएगा। तो जब मैं गया महलों में उनको आज्ञा दे दी तो दरबार बोलता है वो अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, राजा अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं अभी नहीं मिलेंगे। तो उसकी आंख खुल गई, कहता जो खुद ही अल्लाह से मांग रहा है वो मुझे क्या देगा। वापस आ गया, कहता मैं ही डायरेक्ट उससे क्यों ना मांग लूं। पकड़ो बात को क्या कह रहा हूं, तुम में वो बैठा है जिसका कनेक्शन उसके साथ हो सकता है, तुम्हें करना नहीं आता और तुम भटक जाते हो, इसलिए ये कह रहे हैं धाव लागी। क्या पढ़ो फिर दोबारा, भादो मास तीसरा जा रे धाव लागी सब जग को भारे, सबको कोई ना कोई आशा तड़पा रही है। सरमरीक सिंह भी लेके आए अपने रिश्तेदारों को, आज वो बच्ची बीमार है बेचारी, उसको दौरे पड़ते हैं। तो अब वो क्यों आए, क्योंकि उनको इच्छा ख्याल दिया गया कि वहाँ चलोगे तो आपकी कुलदकी का इलाज हो जाएगा। और क्या, ऐसे दौ लगी हुई है, कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं बताया, कहीं हम वहाँ भी गए, हम DCM भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात समझ गए, क्यों भागे हुए हैं, बैठो विचार करो क्यों हुआ ऐसा, तुम्हें तुम्हारे गलती का अंदर से ही जवाब मिल जाएगा। बैठो जरा, थिर कर बैठो, गुरबाणी का थिर कर बैठो, हरिजन प्यारे सतगुरु तुम्हारे का सुहारे। तुम ठहरे ही नहीं हो, तुम्हें तो धौ लगी हुई है, तुम तो ठहरते नहीं हो, तुम्हारा मिशन ऑफ लाइफ है ही नहीं। कोई मिशन तो बनाओ जिंदगी का कि मैं ये बनना चाहता हूँ, पहले दुनिया में कामयाब हो जाओ फिर इधर आओगे। जो दुनिया में कामयाब नहीं, वो इधर कहाँ जा कामयाबी हासिल करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए बाबा फकीर ने कहा पहले ब्रह्म बनो, खूब दुनिया में तरक्की करो, जब दुनिया में थक जाओगे तो कुदरती तुम इधर आ जाओगे। जो दुनिया में कामयाब है वो इधर भी कामयाब हो जाएगा, जो दुनिया में कामयाब नहीं है वो इधर भी कामयाब नहीं हो सकता। ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, साइंटिफिक बात है। आगे, तीन ताप का बड़ा पसारा इके इके जीव घेर कर मारा। तीन ताप है, तीन ताप दाता दयाल जी ने भी लिखा महाराज जी को, परम दयाल जी ने, तू तो आया नरदेह में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निवल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम ध्यान दे। उन्होंने भी लिखा तीन, तीन ताप क्या है, शरीर का दुख,
पहले शरीर का दुख। शरीर का दुख कब दूर होगा, बीमारी से कब बचोगे, जब तुम डिसिप्लिन में हो। डिसिप्लिन में हो वो खुराक खाते हो जो कि तुम्हारे पाचन के ठीक है, जो पच जाए, सिंपल भोजन जो पच जाए वो खाओ, और 25 साल तक अपने शरीर की रक्षा करो। जिसने 25 साल से पहले शादी कर ली, जा बच्चे पैदा कर लिए, जा नाजायज़ काम किया, वो कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता। शरीर पहले, फर्स्ट, ये मंदिर है, पहले इसका इंतजाम करो, इसको ठीक रखो। गुरबानी में भी बार बार कहा गया है कि तुम्हें ये दिया मालिक ने, तुम्हें आंखें दी, तुम्हें नाक दिया, तुम्हें कान दिया, तुम्हें सब कुछ दिया, तुम फिर भी अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो। क्या कहा मैंने, यही आंख तुम्हारी, पंडित जी महाराज ने तुम्हारी आंखें खोल दी कि यही आंख तुम्हारी माँ को देखती है, बहन को देखती है, अपने बच्ची को देखती है, बेटी को देखती है, तब तो इसका रंग और है। जब किसी पराई स्त्री को देखती है तो इसका रंग और क्यों होता है, क्यों होता है, तुम्हारी नीयत खराब हो जाती है। तो जब नीयत खराब हो गई तो बेड़ा गर्क हो गया, तुमने बुरा कर्म कर दिया। देखने से भी बुरा कर्म होता है, बुरा सुनने से भी बुरा कर्म होता है, बुरा खाने से भी बुरा कर्म होता है, बुरा बोलने से बुरा कर्म होता है। क्या कहा मैंने, कर्म के बारे में बता रहा हूँ। इसलिए कंट्रोल रखो 5 ग्राम इंद्रियों के ऊपर। दादा दयाल का एक शब्द है, मन इंद्रियों पर भाई जब तक रखना तुम बराबर। ये कल वहाँ भी गुरदासपुर में भी ये शब्द कहाया गया मेरे से, था नहीं मेरे पास, लकी ने मोबाइल से निकाल लिया, मेरे मोबाइल से निकाल कर इसको लिखाया। जब तक मन और इंद्रियों का आपस में मेल ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, बाबा फकीर जी महाराज के संगत में आने से मैं कभी बाजार नहीं गया। शर्मा जी आपको बता रहा हूँ, कभी घूमने नहीं गया कि दुनिया को देखूं ना। अब बाहर जाता हूँ, मुझे कह देते हैं बाबा जी तुम फलां जगह दिखा के आए, मैं कह मैं वो देखने नहीं आया। मैंने तेरे शहर को देख के क्या लेना, जहाँ बैठो मेरे से कोई बात कर लो, मैंने क्या लेना दुनिया से देख कर, दुनिया मेरी है ही नहीं। ये तो नहीं देश तेरा, देश है बिगाना, जहाँ सब बिगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चताया, संत मत धार हिए तज मोह माया। मन के ख्यालों को छोड़ दो, इसको पॉजिटिव लगाओ, पॉजिटिव कनेक्शन जानते हो ना, स्विच ठीक लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। करके देखो, मैं नहीं कहता कि तुम ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो। शर्मा जी ने भी कह दिया आज, कहा और कुने के ना मानो, अपना आपा आप पहचानो, संतों ने यही तो कहा, लेकिन फिर भी हमें चैन नहीं आती। हाँ, सत्संग जाओ, वहाँ से अपने मतलब की चीज़ ले लो, बस ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो एक शारीरिक दुख हो गया, दूसरा मानसिक अशांति, मन शांत नहीं है किसी का भी। जिसका करेक्टर ठीक नहीं है उसका मन शांत नहीं हो सकता, उस बच्चे का पढ़ने में दिल नहीं लगेगा। क्या कह रहा हूँ शर्मा जी, मैं उसका दिल नहीं लगेगा पढ़ने में, क्यों, मन बाहर है, बाजार में चला जाता है, पढ़ता अंदर है बट दोस्तों में चला जाता है। वो क्या उसने खाक पढ़ना, पढ़ने वाले की दुनिया तो किताबें हैं। सुन रहे बच्चे, फतेहबाद से आए हैं मेरे बच्चे, बात सुन लो ध्यान से, मेक बुक्स योर फ्रेंड्स, अपनी किताबों को अपना दोस्त बनाओ, बाकी कोई दोस्त नहीं होता दुनिया में। मेरा कोई दोस्त नहीं, मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया, हाँ एक बनाया बाबा फकीर, और नहीं मैं कोई भी बनाया, और कोई दोस्त नहीं बनाया। शर्मा जी क्या कहा मैंने, ओ मेरे दाता तेरा शुक्र है, तन मन जान सब कुछ तेरा, मेरा नहीं कुछ भी, अपने कुछ भी रह गया, कुछ नहीं रहा। और तीसरा है अज्ञानता,
आत्मिक ज्ञान तुम्हें ज्ञान नहीं है। दाता कहते हैं अपनी निशस्त्र रखना तुम आत्मा पे हरदम, अपनी निशस्त्र रखना तुम आत्मा पे हरदम, आत्म स्वरूप होकर संसार में विचरना। मैं कौन हूँ, ये है निशस्त्र। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, ये सवाल अपने आप को किया करो। गुरु से नहीं पूछना, गुरु के पास तो कभी सवाल करना ही नहीं चाहिए, अपने आप आ जाएंगे सवालों के जवाब आपको, क्या कहा मैंने। लेकिन तुम अंदर से सच्चे होने की कोशिश करो। आगे पढ़ो। काम क्रोध मद लोभ सतावे, फिर क्या होगा, किसी को कामना सता रही है, किसी को लोभ सता रहा है, किसी को चिंता सता रही है, किसी को कोई धौ लगी हुई है, सब फंसे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ सतावे, आगे काम क्रोध मद लोभ सतावे, माया ममता आग लगावे। ममता, माया ममता, ममता के साथ मेरा ये है, मेरा वो बेटा, मेरी वो पोती, मेरा वो मोम, ये सब लेने देने के सिलसिले हैं, ये सब लेने देने के सिलसिले हैं। आपको बता देता हूँ, जिसका देना दो खुशी से, जिसका लेना वो अपे दे जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, सब रिश्ते, कोई रिश्ता रख लो, कोई भी किसी तरह का रिश्ता रख लो, ये हमारा सारा लेने देने का जंजाल है। जिसका मैंने लेना है उस घर में आ गया, जिसकी सेवा करनी उस घर में मैं आ गया, जिसका देना मैं उस घर में आ गया। जब हिसाब खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मैं कौन और तू कौन, रात भी नहीं रखेगा कोई भी, रात नहीं रखेगा कोई भी, जल्दी करो वो आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, अब चलो। वह क्या है, बाकी क्या है, व्हाट इज लाइफ। लब खुले, दाता दयाल जी महाराज ने हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज से सवाल किया, महाराज जिंदगी क्या है ये तो बता दो। उन्होंने कहा सामने बैठ जा, दाता दयाल को कहा शिव सामने बैठ जा, मेरी तरफ देख, मुंह खोला, बंद कर दिया, ये जिंदगी है और कुछ नहीं। लब खुले और बंद हुए, ये राज जिंदगानी मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने हमें बताया। जिंदगी सांस है, सांस चलता है, जिंदगी है। मन ख्याल करता है, ख्याल करता है तो जिंदगी है। मन शांत हो गया, निर्वाण मिल जाएगा, प्रकाश प्रकाश में चल जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, और तुम अपने आप में उसमें चल जाओगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कोई जन्म मरण नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने, आगे चलो। जल जल जीव परे घबरावे, छूटने की कोई जुगत बतावे। सब घबराए हुए हैं, किसी को छूटने की विध नहीं मिल रही। आगे कोई कर्म कोई धर्म संभारे, कोई विद्या कोई जप तप वारे। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं के इन तीन तापों को दूर करने के लिए आदमी भागा हुआ, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि उनको कोई ना कोई जो मिल जाता है समझाने के लिए, वो उनको कहता है तू ये कर ले, कोई कहता तू ये कर ले, कहते हैं ना पढ़ो ये ऐलान फिर। कोई कोई धर्म कोई कर्म समारे, कोई कहता तू ये धर्म कर, कोई कहता तू ये कर्म कर, समझ दिया जलाया कर, तुलसी के पास बैठा कर, दिया जलाया कर, मंदिर जाकर, शनि देव आ गए हैं उनकी पूजा किया कर, बताते हैं ना। कोई कर्म बताता है, कोई धर्म बताता है, आगे क्या है। कोई कर्म कोई धर्म समारे, कोई विद्या कोई जप तप भारे। कोई कहेगा तू ये मंत्र ले जा, इधर जप तप कराया कर, एक गले में डाल ले, मेरी बात समझ गए ना। ये सारा कुछ हो रहा है मेरे देश में, हो रहा है, और इसलिए स्वामी जी महाराज एक नक्शा खींच रहे, फिल्म
एक फिल्म बना रहे हैं क्या? आगे पढ़ो। कोई मंदिर जा मूरत पूजे, तो कहते मंदिर जाके ये पूजा कर। आगे कोई तीरथ कोई व्रत से सूझे, तो कहते तू इतने दिन व्रत रख भाई, रोटी नहीं खानी, पंतन देना खान पीन नू, आप नहीं खाना, समझ गए। कोई कहता तुम वहाँ का तीर्थ करके आओ, कोई वहाँ का तीर्थ करके आओ, सब है हो रहा है। आगे कोई मंदिर जा मूरत पूजे, कोई तीरथ कोई व्रत में जूझे, आगे चलो ना, यह सब भूले भटका खावे, कोई ना इनकी भूख मिटावे। कहते ये सब हटक गए हैं, भूले हुए हैं, कोई ठीक रास्ता नहीं बताता। बिल्कुल ठीक कहा है महापुरुषों ने, बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ। मेरा जो कनेडा का लड़का, जब उसकी शादी हो गई तो उसका वीज़ा आने में देर हो गई। अब बेचैनी हो जाती, लेडीज़ को बहुत बेचैनी हो जाती है, मेरी बात समझे। तो वो एक वजिया के पास चले गए, मेरा बेटा भी और बहू भी। तो उसने कहा वीज़ा लग जाएगा, आप पहले देवसिद्ध जाओ, वहाँ मत्था टेक के आओ, उसके बाद चिंतपुर नहीं जाओ, वहाँ मत्था टेक के आओ, वीज़ा लग जाएगा। वो गए घूम के आ गए, 3 महीने फिर नहीं वीज़ा लगा। मैं कहा वीज़ा तो आया नहीं, जिन्हें बताया सी वो मर गया। मैं कहा वो तो मर भी गया, उसको अपना तो पता नहीं, उसको अपना पता नहीं कि मैं कब तक जीना है। तो उसने तुम्हें के कहाँ के चक्कर में डाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वीज़ा लग के आ गया और बहू को मैंने। परमदयाल जी महाराज ने एक बात बताई, महाराज जी भी वहीं थे। कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा अपने सेवकों को कि मैं अभी 10 साल जीऊँगा, तुम्हारी सेवा 10 साल करूँगा। दादा मैंने सतगुरु जी ने बताया, बार बार फकीर जी ने 10 साल, और 10वें दिन उनकी डेथ हो गई। संत कृपाल सिंह जी महाराज 10वें दिन के बाद चोला छोड़ गए। महाराज जी कहते अब उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं 10 साल जीऊंगा, उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं 10वें दिन मर जाना। तो तुम्हें क्या दे, आह संतों की बातें कोई नहीं जान सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इतने साल जीऊंगा, कोई पता नहीं। चिट्ठी पंजाबी में हम छोटे छोटे होते थे तो एक गाना गाया करती थी औरतें त्रिंजण में, गाते पर्या त्रिंजण छड़े जाना चिट्ठी आ गई जोरा बढ़ती, गौंदियाँ गौंदियाँ ने असी चलिया जाना, किन पहले चल जाना, कोई पता नहीं है कदों की चिट्ठी आ जानी है। किस बात का दावा किया जाए, ये सब झूठ है, कुछ नहीं। Nobody knows मैं कब जाऊंगा, नथ खसम हथ। बस मान लो कि हमारा आधार है, तुम्हारा आधार, शर्मा जी बुरा नहीं मान, तुम्हारा आधार कोई धार्मिक केंद्र नहीं है, तुम्हारा आधार कोई देवी नहीं है, तुम्हारा आधार कोई देवता भी नहीं है। हाँ तुम्हारी हो सकता है को मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन तुम्हारा कल्याण कोई नहीं करेगा। कल्याण जब भी होगा तुम कल्याण अपना आप करोगे और गुरु की कृपा से करोगे, बिन गुरु कृपा नहीं होगा कुछ भी। क्या कहा मैंने, अब आगे पढ़ो क्या कहते हैं। क्या पंडित क्या भेख गृहस्थी, क्या पंडित क्या भेष गृहस्थी, यह सब बसे काल की बस्ती। चाहे कोई पंडित है, चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई है, चाहे कोई गृहस्थी है, सब काल की बस्ती में रह रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं ये मुर्दों का देश, ये मुर्दों का ग्राम, हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। आगे क्या कहते हैं,
चौरासी में बहु भरमावे नरक स्वर्ग के धक्के खावे। स्वर्ग है नरक है, जे करोगे स्वर्ग मिल जाएगा, जे कोई वहां से नहीं आया। कबीर साहब ने कहा जहां से सब कोई जाते हैं भार लदाए लदाए, वहां से कोई नहीं आते जा से पूछो जाए। कौन आया? वहां से सतगुरु आया, जाकी मत बुद्ध धीर, भवसागर के जीव को खेल लगाए तीर। केवल सतगुरु भवसागर के, ये भवसागर है सारा, सब भावना का, ख्यालों की दुनिया, यहां से हमें केवल गुरु पार कर सकता है। गुरु क्या? ज्ञान, गुरु का शब्द, गुरु का बताया हुआ रास्ता हमें पार करेगा, बाकी कोई पार नहीं कर सकता। आगे में जो कोई उनसे कहे समझाई, उल्टी माने करे लड़ाई। अब ऐसे लोगों से अगर आप कोई ये धार्मिक बात करें कि वहां नहीं जाना चाहिए, तो आपसे लड़ेंगे। बनी शर्मा जी क्या मूर्ख है, उत्थे दौड़े हैं मानवता मंद, उत्थे की है उत्थे, कोई कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि दस देते है नहीं, बस अपने आते हैं भाषण देंदे चले जाते हैं। वहाँ कौन सी पूजा होती है, वहाँ कौन सा पाठ होता है, वहाँ कौन सा कीर्तन होता है? लोग तो कीर्तन जानते हैं ना ज़्यादा, ये ऐसा ऐसा होता रहे तो माया ही माया, फिर सात सात आठ आठ लाख रुपया बना के जाते हैं। यहाँ भी पिछले बहुत साल हो गए, डॉक्टर रामदेव राव जी और उनकी बेटी आए हुए, मैंने उनको ऊपर वाला वो अमेरिकन सेट दे दिया। मैं कहा डॉक्टर साहब वहाँ आराम से रुकिए, तो इधर देखा जब मैंने तो हाल में बड़े बड़े बर्तन खाना बन लिया, वो मैं कहा ये क्या हो रहा है यहाँ के, तो मुझे इन्होंने लड़कों ने बताया कि जी यहाँ बहुत बड़ा कथा हो रही है, तो पंडित यहाँ रुके हुए हैं, पंडित यहाँ रुके हुए हैं। अब उन्होंने 12-1 बजे आना, फिर शराबी होनी, तो आए तो उधर भी उनको कमरे दिए हुए, वो चढ़ गए वहाँ शोर मचाते हुए डांस करते हुए, और सुबह ही डॉक्टर रामदेव राव आ गए यहाँ मेरे पास, कहते महाराज जी ये मंदिर है कि क्या है, ये क्या है यहाँ रात वो शराब पी के आ गए, पता नहीं कौन थे गुंडे, समय तो सोना नहीं मिला, हम नहीं वहाँ सोएंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब को इस कमरे में चलाया यहाँ, और बेटी को महाराज जी के कमरे में, मैं कहा आप मेरे मेरे कमरे में आ जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँगा। कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने पूछा कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें क्या पता वो कौन है, जब मैं आपको बताता हूँ, जो जितने गाने बजाने वाले होते हैं ना, ऐसे तालियां बजाते हैं, ये सब अमली होते हैं, ये ऐसे नहीं बोलते। क्या कहा मैंने, इनके चेहरे पर लाली वो नहीं होती भगवान वाली, वो लगा के आते हैं मेकअप करते पहले आधा घंटा, और मेकअप करने वाले रखे हुए हैं। हम सोचते हैं वाह 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 महाराज जी महाराज जी महाराज जी। और मेरी बहनों मेरी बेटियों बचो, तुम बच जाओ ऐसे जादूगरों से, तुम महान हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम ही सावित्री हो और तुम ही दुर्गा हो। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, तुम हो बनाने वाली देश को, तुम हो भगत सिंह को जन्म देने वाली, तुम हो राजगुरु को जन्म देने वाली, तुम ही हो माता क्या नाम है नामदेव को जन्म देने वाली, तुम ही कबीर साहब को जन्म देने वाली हो, तुम ही गुरु नानक देव को जन्म देने वाली, कौन है और बताइए तो मुझे, तुम क्यों किसी के आगे से झुकाती हो? अपने आप को पहचानो और घरों को स्वर्ग बना दो, तब मैं मानूंगा कि तुम मानवता मंदिर आती हो। घरों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्या कहा मैंने, ऐसे न अपने जीवन को बर्बाद करो। कुछ नहीं रखा इन बातों में, कुछ भी नहीं रखा। आगे पढ़ो। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होए। कह दिया कलयुग में कोई ऐसा कर्म कांड नहीं काम देगा,
पढ़ो फिर यही लाइन। कल युग धर्म धर्म नहीं होए, नाम दिया उद्धार न होए। युग में ये कोई तुम्हारा कर्म कांड तुम्हारी मदद नहीं करेगा, केवल नाम होगा नाम, और वो नाम गुरु के अधीन है। ये जो हम नाम जपते हैं, अपने आप जपते हैं, राधा स्वामी करते जाओ जितना मर्जी, राम राम करते जाओ, अल्लाह अल्लाह करते जाओ, वाहे वाहे गुरु करते रहो, वो काम नहीं देगा। वो केवल मन को इकट्ठा करने के लिए है, यहाँ केवल मन को एकाग्र करने के लिए है। उस एकाग्रता से तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती रहेगी, लेकिन असली नाम जो है वो सोहंग से आगे है, वो दसवें द्वार से आगे है। वो तब होगा जब तुम बैठोगे, बैठकर अपना अनुभव अपने गाइड के साथ सलाह करोगे कि अब मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, वो तुम्हें बताएंगे क्या है असली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संपर्क में रहो, क्या कहा आगे, नाम भेद है अति कर झीना। बहुत बारीक है ये, अति कर झीना है नाम का भेद। वो नाम क्या है? वो नाम हमारे घर का है, जहाँ से हम आए हैं वो है। जैसे मैं जहाँ ऊना से आया हूँ, मुझे पता है सत्संग के बाद मैंने ऊना जाना है, ठीक है ना। ऐसे ही इस छोले को छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। वो कहाँ है? दूर गमन तेरा हंसा हो घर आगम अपारा। वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, यही कहते हैं अपरंपार। तेरा अंत न कोई जाने, उसका अंत कोई जान नहीं सकता। वो बाबा फकीर ने बता दिया, बाबा फकीर जी ने हमें साबित कर दिया कि वहाँ जाकर मेरे दाता ने बोला कि मैं वहाँ जाकर क्या कुछ बन गया, कुछ नहीं, मेरा आपा मिट गया और मैं ऐसा महसूस किया कि अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। वाह, सर्वव्यापक कौन है दुनिया में? शक्ति, महान शक्ति। बलहारी जाऊं मैं सतगुरु के, जिस भ्रम किया सब दूर। मेरी बात समझ गए? तुमने सर्वव्यापक होना है, तुमने सीमित नहीं रहना है। शरीर सीमित है, मन भी सीमित है, आत्मा भी सीमित है, लेकिन जो तुम हो तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। बहुत ऊंची बात कही थी मैंने शर्मा जी, क्यों कह दी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पादों का महीना है। तुम्हारा जो सेल्फ है, तुम्हारा जो सेल्फ है वो ऐसे है जैसे भाखड़ा डैम, वहाँ की लाइट कहाँ कहाँ जा रही है, दूर दूर तक फैली रोशनी कर रही कि नहीं कर रही, केंद्र एक ही है। ऐसे ही वो केंद्र एक है और उस हम सब उसके बच्चे हैं। हमने वापस उसी लाइन से ये स्विच ऑफ कर देंगे तो स्विच ऑफ हो गई, बिजली वापस वहाँ चले गए। ऐसे ही हमारी जब स्विच ऑफ होगी तो मन नहीं रहेगा, मन है नहीं, आत्मा भी वहाँ चले गई, तो तुम फिर वापस वहीं पहुँच जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। ये नाम की ताकत है। आगे, नाम भेद है अति कर जीना, बिन सतगुरु का हो नहीं जीना। सतगुरु के बगैर कोई नहीं बता सकता। आगे चलो, जपने में सब गए भुलाए, नाम अगम कोई भेद न पाए। कहते नाम जपने से काम नहीं बनेगा, सब भूल गए हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, जपने से नाम नहीं बनेगा। आगे, जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो ऐ भेद नाम का गाते। अगर सतगुरु, मैं कह सकता हूँ दावे से, मुझे संत सतगुरु वक्त मिले और उन्होंने ये भेद दिया कि बच्चा नाम क्या है, नाम ये है। कब? जो इस जुबान से बोला नहीं जा सकता, सुनना, वो इस कान से सुना नहीं जा सकता,
वो मन से भी सुना नहीं जा सकता, वो स्वप्न में भी नहीं सुना जा सकता, वो आत्मा भी उसको नहीं सुन सकती, उसको केवल तेरी श्रुति सुन सकती है। और वो कब सुनेगी? जब तीन सुन पुने लग जाएंगे, शरीर सुन, मन सुन, आत्मा सुन, जब हो जाएंगे तीन सुन के पारा, वहाँ है घर तुम्हारा। अंड पिंड अंड और ब्रंड, मेरे मन के पार मेरा घर है, ये उन्होंने बताया। और बताया ही नहीं बल्कि अनुभव करवा दिया। जब मुझे वहाँ का आनंद मिला तो मैंने 15 दिन में उसी हालत में रहा, तो मैंने दाता को चिट्ठी लिखी, मैं कहा पिताजी अब मेरे ये हाल है। 4th दिन मुझे जवाब पहुंच गया, 3 दिन तो लगते ही है ना, 4th दिन जवाब कार्ड आ गया। बच्चा इतना ऊंचा अभ्यास नहीं करना, अनुभव हो गया, पता लग गया, अगर तू इसको ज़्यादा देर करेगा तो वैराग्य पैदा हो जाएगा। अभी तेरी सरकारी नौकरी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बस अब सिर्फ सिमरन और ध्यान करना है, बाकी बाल की मौज के पर छोड़ देना। क्या कहा मैंने? अनुभव सिर्फ क्या है, सुरत शब्द क्या है, दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कुप्पा। सिर्फ जानना है कि मेरा घर कौन सा है। अब मैं ऊना ऊना करता हूँ, नहीं पता मैं ऊने जाना क्या ख्याल है शर्मा जी? जब मैं यहाँ रहता था, चाहे कहीं चल जाता था टूर पर, राजस्थान चले गया, वो क्या नाम गोया तक चला गया, तो याद तो यही रहता था कि वापस होशियारपुर जाना है, वो याद बनानी है ये मेरा देश नहीं है। और इस देश में जो ड्यूटी मिली है उसको खुशी से करो, हंसते हंसते करो, चिंता निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो मन से चिंता, खुशी खुशी हर ड्यूटी करो, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, जो भी ड्यूटी तुम्हें मिली है उसको पूरा करो, उसमें हिचकिचाहट नहीं करनी, हाय मैं क्या करा, नो, खुशी से करो जितना करना है। मेरी बात समझ गए? तुम ठीक रस्ते पर आ जाओगे, उस पर छोड़ दो डोरी अपनी, क्यों हमें चिंता करनी है। आगे नाम रहे चौथे पद माही, ये चौथे पद में है। चौथा पद केड़ा? शरीर पहला, मन दूजा, आत्मा तीजा, इंद्र चौथे ऐथे ऐथे है, वहाँ नाम है। नाम नज़दीक नहीं है, हाँ उसके साथ अपने आप को जोड़े रखो कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आगे तीन लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावे। हाँ, संत वहाँ बताते। तीन लोक तो काल है, काल जहाँ परिवर्तन होता है। बचपन में क्या थे हम, नौजवानी में क्या थे, अब क्या है, परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। बचपन के ख्याल और थे, अब ख्याल और हैं, बचपन की रहनी और थी, अब की रहनी और। ये काल मीन बदल रहा है समय के मुताबिक, वो नहीं बदलता, वो हमेशा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है। बस उसको जानते हुए अपनी जिंदगी को खुशी से काटो। आगे तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल, सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। तो हर जगह बने हुए हैं, संत वो होता है जो प्रकाश में रहता है, वो संत है, और जो शब्द में चला गया वो परम संत है। ठीक है, अब कैसे पहचान करोगे? जिसको दुनिया का लालच है, कोई चाहता है, वो संत नहीं हो सकता। संत को कुछ नहीं चाहिए, उसकी यही पहचान है, वो देता है लेता नहीं है। क्या कहा? ये ओनली ये पहचान है संत के, जो पैसे लेता है या कुछ और लेता है या अपनी जेब भरता है, वो संत हो नहीं सकता। संत कुछ नहीं चाहता, वो निर्लेप रहता है, उसके पास शब्द है, उसके पास शब्द की ताकत है, वो शब्द की ताकत के साथ रहता है, और उसकी देखभाल वो मालिक खुद करता है, उसको चिंता नहीं होती। आगे चलिए।
अब मार्ग का भेद बताऊं, आंख खुले तो भेद लखाऊं। संत जी पारस कहते हैं, स्वामी जी अगर तुम्हारी आंख खुल गई है थोड़ी सी अब सत्संग में, तो मैं भेद बता देता हूँ। और भेद बताने लगे हैं, पहले आंख खुलो, आंख मीन बाकी सब कुछ निकाल दो यहाँ से, ये अंदर की आंख की बात करते हैं। अंदर की आंख मीन बाकी कुछ नहीं है दिमाग में, सिर्फ एक मिश्र है, मैं कौन हूँ और वो नाम क्या है, तब आगे चलो। पहली सुरती नाम जमावे, पहली सुरती नैन जमावे, घेर फेर घट भीतर लावे। अब मन और चीज है, सुरत और चीज है, सुरत के बगैर मन नहीं है। मन जब भी बाहर जाएगा सुरत को साथ लेके जाएगा, मेरी बात को पकड़ो। मन अकेला कुछ भी नहीं है, उसकी ताकत सिर्फ मन में है, ताकत सुरत में है। सुरत लग गई पढ़ने में, मन लग गया तो सुरत साथ है, तुम कभी भूलोगे नहीं। अगर तुम्हारा मन कहीं और है, सुरत कहीं और है, तुम जितना मर्जी पढ़ते जाओ कुछ हाथ नहीं लगेगा। ऐसे ही ध्यान, सुरत और मन को इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ अपने शरीर से निकालो, तुम्हारे सारे शरीर में सुरत फैली हुई है, सारे शरीर में तुम्हारी सुरत है। बगैर सुरत के कुछ भी नहीं शरीर में हो रहा, सब कुछ शरीर में सुरत के साथ हो रहा है। और उनको विड्रा करना है। जब तुम बैठोगे तो सुन समाधि लग जाएगी, जो बैठते हैं तो शीर सुन हो जाता है ना, शीर सुन हो गया सुरत यहाँ आ गई, फिर मन सुन हो गया तो ख्याल भी चले गए, तुम्हारी सुरत और मन फिर जहाँ आ गया। कहते पहले घेर फूट कर सुरत को यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, फिर आगे। बिरह बिरह होए तो यह बन आवे, तुम्हारे अंदर विरह होनी चाहिए। विरह मीन तुम महसूस करो कि मैं किसी से बिछड़ा हुआ हूँ, इसको विरह बोलते हैं। मैं बिछड़ा हुआ हूँ किससे, कहता विरह हो गई ना, बच्चा चले गया पेट्रोल बाहर तो हमने तुम गया, मैंने बढ़िया बढ़िया विरह महसूस हो रही है, मैं अकेली महसूस कर रही, वो कोई और बात है। तुम वहाँ की विरह करना है, मैं उससे बिछड़ा हुआ हूँ, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। आगे विरह होए तो यह बन आवे, फिर मन काबू होगा। जब तुम्हें उसकी कशिश हो जाएगी फिर होगा मन काबू, नहीं तो नहीं। आगे मेहनत करे तो कुछ फल पावे, देखे तिल पिल जोत समावे, अनहद सुन मन बस में आवे। क्या होता है, अंदर तुम्हारी ज्योति होगी और अंदर आपके शब्द बोलेंगे। मैं थोड़े में बता देता हूँ, यहाँ पहले जगह पर आपको घंटा सुनाई है। देखो मैं सच बताता हूँ, मैं ना घंटा सुना, ना मैं सारंग सुना, ना मैं ओम सुना, सच्ची कहता हूँ। ओ मेरे तो सतगुरु ने मेरा बेड़ा कबार कर देता, मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बैठा उसकी याद में बैठ गया और सुरत अपने आप ऊपर चढ़ गई। मुझे पता नहीं सुन क्या होता है, महासुन तो बाद में पता लगा कि मैं तो शरीर हूँ, बाद में पता लगा कि मैं मन हूँ, पहले तो पता नहीं लगा। क्या कहा मैंने, सब कुछ भूल जाता है आदमी, भूलना है किसको, शरीर को, मन को, आत्मा को। तुम वहाँ पहुँच जाओगे, ये तरीका बता रहे हैं। आगे पढ़ दो सारा। मन बस होए तो सूरत जागे, पढ़ दो सारा। निरख आकाश आत्मा पागे, सब पकड़ परमात्म निरखे, आत्म जाए परमात्म परखे। जब तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा हो जाएगा तुम आत्म स्वरूप हो जाओगे, तभी वो कह रहे हैं परमात्मा। परमात्मा क्या है, प्रकाश, बड़ा प्रकाश, आत्मा छोटा प्रकाश। ईश्वर, ईश्वर क्या है, ईश मीन ताकत, वर मीन मालिक, ताकत का मालिक। जिसके पास ताकत है वो ईश्वर है, जिसके ताकत ही खत्म अपनी कर दी वो कहता ईश्वर बनेगा।
दुनिया में जिसके पास ताकत है उसको लोग पूछते नहीं हैं, पाँव में लोग मत्था देखते हैं उनको, तो ताकत है, पैसे की ताकत है, शरीर की ताकत है, विद्या की ताकत है, ताकत का कोई लिमिट थोड़ी है, तो उसकी पूजा होती है जिसके पास ताकत है, वो ईश्वर है। तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, सब कुछ तुम्हारे अंदर तो है, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल ठीक नहीं किया तो भगवान क्या करेगा, वो गुरु जी क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले अपने आप को कंट्रोल करो, फिर गुरु तुम्हारा साथ करेगा। आगे परमात्म से आगे जाए सुन महल में बैठक पाए, खिड़की आगे चौक अपारा, चौक परे निर्था सत द्वारा। हर गुफा में जाकर एक चौक है, चौक का मतलब क्या है, वहाँ ना शरीर का एहसास है, ना मन का एहसास है, ना आत्मा का एहसास है, ना वहाँ पर मन है, ना बुद्ध है, ना चित्त है, ना कार है, वहाँ कुछ भी नहीं है, जो उसको चौका कहा गया है संतों ने दुनिया। इसलिए बाबा फकीर कहते थे वाणी जाल महाजाल, इतनी फसन सीधी गल कर लो पे, मैं उत्थे पहुँचना, मैनू की लोड़ पे इतने बैठन दे, क्या कहा मैंने, क्यों देखना इन्हें चीज़ों की देखने का फायदा, घंटा सुन की लेना, इतने ठहरो, यहाँ ठहरो, यहाँ तुम्हारी मनोकामना पूरी होती जाएगी। तो दूसरी स्टेज जब मैं जाओ वहाँ ओंकार की बात सुनो, तुम्हारा विज्ञान तुम्हारे अंदर विद्या पैदा हो जाएगी, विवेक पैदा हो जाएगा, सुन में जाओगे शरीर सुन हो जाएगा, वहाँ तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हारे अंदर सारंगी बच रही है, वहाँ सुन में जाओगे तो अंधेरा है, ना शरीर है, ना मन है, ना आत्मा है, वहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, अंधेरा है, वहाँ क्यों जाना, मस्ती है, क्या लेना मस्ती तुम्हें, मुझे तो अपना घर जाना है, मैं रास्ते थोड़ा देखने हैं। एक कहानी सुना देता हूँ माड़ी जी माड़ी जी, एक राजा ने कहा, इशारे में बात है, संतों की इशारा होता है, राजा ने कहा कि जो मेरे पास सबसे पहले आएगा मैं उसको तिलक लगा दूंगा, और वो बैठ गए सातवीं कोठी में, छह कोठियां अग्गे, किसी में खाने का इंतज़ाम बढ़िया कर दिया, किसी में कपड़ों का बढ़िया इंतज़ाम कर दिया, किसी में सोने का बढ़िया इंतज़ाम कर दिया, किसी में नाच गाने का बढ़िया इंतज़ाम कर दिया, मेरी बात समझ गए ना, और किसी को और शौक पैदा कर दिए, तो रास्ते में ऐसे ऐसे आकर्षण पैदा कर दिए कि बड़ी मुश्किल से कोई आगे जाए, तो जो जाए राजा से हमने बनना है भाई, हम तो राजा बनने हैं, हमने तो छह रास्ते लंघो, पहला पहले खान पीन में मिल गया बड़ा बढ़िया, जो मर्जी खाओ, दिल लग गया उत्थे खा के सो गए, दूजा गया कह वो उसने खाना पीना तो नहीं खाया, अगे कपड़े बहुत सोने लगे वही पहन के उसी में खुश हो गया, बात समझ गया, तीजा अगे गया वहाँ डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, बह गया उत्थे, चल उत्थे नींद आ गई, सो गया, सारे छे छे रस्ते कोई नहीं जा सकया, एक बंदा सगा वो कहता मैं सब कुछ देख लिया, मैं नहीं देखना कुछ भी, वो सीधा अखा बंद कीतियाँ राजे दे पास पहुँच गया, कहता वो तू कि पहुँच गया, कहता जी मैं की लेना दुनिया तो मैंने क्या लैन, देख देख के मैं मनोरंजन कैदा करना, मैंने तो आप मैं आपसे मिलना था, मुझे आपसे मिलने का शौक था, मैंने एक दुनिया की प्रवाह नहीं की, ना खाने की, ना पहनने की, ना सोने की, ना चांदी की, ना डांस की, ना राग की, ना रत्न की, कुछ नहीं मुझे चाहिए था, मेरा तो आपको मिलना था, मैं आपके पास आ गया, कहते बस तू ही राजा है, मतलब भगवान उसको मिलेगा, जो दुनिया में फंस गया तो इन्हें पंजा स्थाना तो की लेना बात को पकड़ो, मैं क्या कहा, ये मैंने क्या लेना पांच स्थानों से, मैं तो मेरे तरफ वो है भाई, मेरा कहाँ है। आगे सत पुरुष सत नाम कहाए, सत लोक निज पाया आए, यह मार्ग संतन ने भाखा, संतों ने कह दिया, क्योंकि स्वामी जी महाराज सतनाम का स्मरण करते थे इसलिए वहां उनको सतनाम सुनाई दिया,
फिर पढ़ो पहले वाली लाइन। यह मार्ग संतन ने भाखा, सत्य पुरुष सत नाम कहाई। सत पुरुष सत नाम कहाई, सत पुरुष से मुझे सत नाम मिला, ये कहते हैं। क्योंकि वो सत नाम के सिमरन करते थे, अंदर सतनाम करते हुए जहाँ पहुँच गए, जबान से नहीं, पहले शरीर से, फिर मन से, फिर आत्मा से, फिर सुरत से, तीनों से जाए, जाना वहीं से पड़ेगा, लेकिन टिकना नहीं रास्ते में आगे। सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सतलोक में पहुंच गया आगे। यह मार्ग संतन ने भाखा, भेद प्रगट कुछ गोए नराखा। भेद सारा बता दिया मैंने, कोई चीज छिपाई नहीं है आगे। लोक भेद बस जो जीव होई, सो परतीत न लावे कोई। कहते किताबें क्यों फंस गए, भेद में किताबें आगे। लोक भेद में जो पढ़े, किताबों में पढ़ गए, पढ़ने में पढ़ गए, उनको पांच दस दस खस खाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वो बच नहीं सकते। हाँ, लोक भेद में जो पढ़े, नाग पांच दस खावे, जन्म जन्म दुखों में रहे, रोए और चिल्लावे। कहते वो सारा जन्म इसी में रह जाएंगे और बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जो इस लाइन पर, जो संतों का मार्ग है, संत मार्ग अति झीना, झीना मीन बहुत बारीक है। कितना बारीक है, झीनी झीनी रच दलिया, जैसे कबीर साहब ने कहा, हमें बहुत हल्के होना पड़ेगा। हल्के कितने, हल्के फूल की खुशबू जितने हल्के होना पड़ेगा। शरीर को भी भूलना, मन को भी भूलना, आत्मा, अरे करके तो देखो। मैं कहता हूँ अपने आप को सुबह शाम कुछ ना किया करो, अपने आप को पूर्ण रूप से उसके हवाले करते रहा करो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उसको मान लो कि वो है, हमने उसको माना नहीं है कि वो है, हमने तो चौकीदारा दी नाल दोस्ती ला ले, डीसी दे पहरेदार ना ड्यूसी ला ले, ड्यूसी नु कितना मिलोगे, नीचे रह गए ना, वहाँ नहीं रहना। हमने तो उसको मिलना है, जिसको मिलने से सारी दुनिया तुम्हारा हो जाएगी। जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा हो। तो आज का सत्संग थोड़ा ऊंचा था, मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। इस जगह में ताकत है, ये जो ताकत जगह है, इसमें ताकत है, मेरे में जगह नहीं है। ये सतगुरु बाबा फकीर की कृपा है, मेरी बात को पकड़ो। पहले गृहस्थ अच्छा बनाओ, गृहस्थ अच्छा ठीक है तो नाम भी जपा जा सकता है। घर में सुख है, शांति है, तो तुम नाम जप सकते हो, हंसते खेलते रहोगे। अगर घर में सुख शांति नहीं है, खाने को रोटी ठीक नहीं है, आमदन ठीक नहीं है, तो तुम रोटी में दिल फंसा रहेगा। शाम को क्या खाना है, पशु को क्या खाना है, ये सब खत्म हो जाता है। वो बड़ा मेहरबान है, तुम उसके बच्चे हो जाओ, कुछ ना बनो, केवल इंसान बन जाओ, केवल इंसान। वो इंसान जो दो दिन का बच्चा होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती, उसमें कोई झूठ नहीं होता, उसमें कोई कामना नहीं होती, वो जिसको देखेगा हंसेगा, वो बन जाओ। मेरी शुभकामना, आप सब सुखी रहो। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम खूब बढ़ो, खूब पैसा कमाओ, दुनिया में यश पैदा करो। यश मिलेगा, उसकी कृपा से मिलेगा। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।